तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन क्या है बेसिकली समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा कि जब भी हमने देखा कि इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन होने के लिए जो सरफेस पार्टिकल रहेंगे वो एनर्जी कहां से लेंगे, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से लेंगे, और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को वो क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो जब भी कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन आपको क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन के आंसर को तीन पॉइंट में डिवाइड करोगे, तो वो पॉइंट्स आंसर पॉइंट्स क्या रहेंगे जब इसके ऊपर गियोरिजन ही आता है। तो पहला पॉइंट रहेगा विच सब्सटेंस गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम व्हाट, मतलब विच लिक्विड इवेपोरेटेड एंड फ्रॉम वेयर, मतलब आप इसमें वही पॉइंट लिखोगे कौन सा लिक्विड इवेपोरेट होगा और वो कहां से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था थिनर का, थिनर मैंने हाथ पे डाला, तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई वी फील कोल्ड व्हेन वी अप्लाई थिनर ऑन अवर पाम। ठीक है, पाम पे भाई डाला तो हमको क्यों ठंडा लगेगा, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, थिनर गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पाम। अब ये पहले पॉइंट में हमेशा लिखना है कि लिक्विड होता है इवेपोरेटर और हुआ वो कहां से हुआ। सेकेंड पॉइंट में लिखना है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में लिखना है। और ये कहां से ली, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, मतलब ड्यूरिंग द स्टेट चेंज। जैसे थिनर ने अगर स्टेट चेंज किया लिक्विड से गैस, तो उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसने कहां से लिया, तो हमको लिखना पड़ेगा द थिनर टेक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू चेंज स्टेट फ्रॉम द पाम इटसेल्फ, मतलब पाम जो था उससे लिया। थर्ड पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा दैट्स व्हाई सराउंडिंग ऑब्जेक्ट टेम्परेचर डिक्रीजेस, हमको क्या लिखना पड़ेगा, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीजेस। फोर्थ पॉइंट, देयरफॉर इट इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो थर्ड पॉइंट हमको क्या लिखना पड़ेगा कि वो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट जिससे वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिया था उस वो ठंडा हो गया। जैसे पाम की से एनर्जी ले ली तो पाम क्या हो गया, ठंडा हो गया, दैट्स व्हाई वी फील कूल। तो दैट्स व्हाई इट इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो हम हर क्वेश्चन को चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि अर्थन पॉट मतलब मटका, पानी को समर डेज में हम अर्थन पॉट का यूज करते हैं फॉर हैविंग अ कोल्ड वाटर एट अवर होम, तो ये होता कैसे है, तो फिर विच लिक्विड इवेपोरेटेड वाटर कहां से, द वॉटर विच इज केम फ्रॉम पोर्स ऑफ मटका ऑन आउटसाइड सरफेस ऑफ मटका और अर्थन पॉट, तो कहां से इवेपोरेट हुआ, वो मटके के आउटर सरफेस से इवेपोरेट हुआ, आया कहां से लिक्विड, वो आया स्मॉल पोर्स से। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कि लिक्विड इवेपोरेट हुआ जो स्मॉल पोर्स से आया था कहां से इवेपोरेट हुआ, फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ अर्थन पॉट। फिर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहां से ली, लिक्विड ने वाटर ने लैटेंट वेपराइजेशन कहां से ली, अर्थन पॉट के आउटसाइड सरफेस से। तो अब अर्थन पॉट के आउटसाइड सरफेस से अगर हीट ली तो वो हीट एक्चुअली क्या होगी, वहां पे कम होगी, दैट्स व्हाई द अर्थन पॉट और अर्थन पॉट सरफेस गेट कूल्ड, दैट्स व्हाई द वॉटर इन द अर्थन पॉट गेट कूल्ड एंड इट इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। सेम चीज परस्पिरेशन, हमारे को जो पसीना आ रहा है हमको ठंडा क्यों लगता है, फिर से हम यही लिखेंगे कि द ड्यूरिंग द परस्पिरेशन वाटर कम आउट फ्रॉम द स्मॉल पोर्स ऑन अवर स्किन एंड विच गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम अवर स्किन, दैट्स व्हाई लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहां से लेंगे, स्किन से लेंगे, दैट्स व्हाई स्किन का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा एंड इट इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। सिंपल है।
सेम चीज हर जगह पे यही लगेगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब समर में हम क्लॉथ क्यों कॉटन के पहनते हैं, कॉटन के क्लॉथ क्यों, कॉटन क्या करता है हमारे स्वेट को एब्सॉर्ब कर लेता है परस्पिरेशन के दौरान। फिर क्या होता है, जब वो लिक्विड कॉटन क्लॉथ से उड़ेगा तो वो क्या करेगा, कॉटन क्लॉथ का जो टेम्परेचर है घटाएगा, फिर वो हमारे स्किन का टेम्परेचर घटाएगा, इसीलिए हमको बेहतर फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा, इसलिए हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। एंड इट इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, थिनर वाला मैंने बताया, पानी हम घर के सामने समर के शाम के समय पानी बाहर डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो वो आ गया। सभी चीजों में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये चार पॉइंट की, पहला लिक्विड, कौन लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, वो कौन से सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है, वो सरफेस का लैटेंट हीट उसने लिया वो सरफेस से, इसलिए उसका टेम्परेचर कम हुआ, और इट इज कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये था हमारा टॉपिक, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। और इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है जो कि है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बेसिकली है क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसी चीज है जिसकी जो थ्योरी है सत्येंद्र नाथ बोस ने लिखी थी, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने, और इसके ऊपर से आइंस्टाइन ने एक स्टेट ऑफ मैटर प्रेडिक्ट की है, स्टेट ऑफ मैटर प्रेडिक्ट की है, और ये होती है 0 केल्विन पे। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आप अगर कोई चीज को पहुंचा दो 273.16, तो वो चीज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में चले जाएगी। इसके अलावा जो स्टेट है वो है प्लाज्मा, जो है आयोनिक स्टेट, मतलब जब भी कोई एटम या एलिमेंट या कंपाउंड आयोनिक फॉर्म में रहेगा तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर पे आती है, इसलिए ये जनरली हमारे आसपास में दिखाई नहीं देती, बट हमने देखा होगा तो न्यूऑन बल्ब जो होते हैं इसमें, उसमें न्यूऑन के आयंस प्रोड्यूस है, उसकी वजह से लाइट आता है, तो ये उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। मैं आशा करता हूं कि आपने ये चैप्टर को काफी एंजॉय किया होगा, हम आगे ऐसे ही चैप्टर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में जब मैं ये वीडियो का लेके आऊंगा तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन का, और उसके अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन का। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, एनसीईआरटी बुक या रेफरेंस बुक, एसचान, मॉडर्न एबीसी, जो भी आपके पास में है पढ़ते रहिए, और पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। जल्द से जल्द हम नंबर सिस्टम्स के भी कुछ वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मैं हूं नितेश मुंद्रा, मास्टर सीबीएसई से। थैंक यू।